हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, ये है मैनुअल ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर। इस तरह का कोई भी स्टेबलाइजर क्यों ना हो, उसमें जो ऑटो कट सर्किट लगाया जाता है, यानी कि ऑटो कट सर्किट का कनेक्शन किया जाता है, वो किस तरह किया जाता है, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। और मैं इसमें आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऑटो कट सर्किट तो बाज़ार में कई तरह के मिलते हैं, लेकिन मेरे पास देखिए ये वाला ऑटो कट सर्किट है, तो मैं इसी का कनेक्शन करके आपको बताने जा रहा हूं कि ऑटो कट सर्किट का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, ये मेरे पास इस तरह का ऑटो कट सर्किट है, देख लीजिए। पूरे स्टेबलाइजर के कनेक्शन में लोग अगर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो वो है ऑटो कट सर्किट का कनेक्शन करने में। इसी जगह सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके कनेक्शन करने में। तो मैं आज सबसे पहले आपको इस ऑटो कट सर्किट का ही कनेक्शन बता देता हूं, ताकि आपको आगे परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो देखिए, इसमें यहाँ पर RLY लिखा हुआ है। RLY का मतलब होता है रिले, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ दो वायर जोड़ना है, ये दोनों वायर रिले में जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 12 AC लिखा हुआ है, यानी कि 12 वोल्ट AC इस जगह पर देना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 220 AC लिखा हुआ है, यानी कि 220 वोल्ट AC यहाँ पर देना है, ठीक है। ये जो 33K का रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इसके इधर वाले लेग पर, इस जगह पर ही 220 वोल्ट AC देना है, ठीक है। और इसमें एक वायर और जोड़ा जाता है, यहाँ पर ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव का लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है, ये पूरा लाइन नेगेटिव का है। अब मैं इस सर्किट में कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ और यहाँ वायर जोड़ूंगा, तो इसमें वायर जोड़ता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऑटो कट सर्किट के लिए किसी भी कलर का वायर ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। जो भी कलर का आपको वायर पसंद हो, उस कलर का वायर आप लगा सकते हैं, या फिर जिस कलर का वायर आपके पास है उस कलर का वायर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्पेशल कलर लगाना है, नहीं यहाँ पर रेड ही लगाना है, यहाँ ब्लैक लगाना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको जिस कलर का वायर आपके पास है वही वायर आप लगा दें, ठीक है। सिर्फ आपको समझना है कि मैं कनेक्शन कर रहा हूँ तो कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ। बस देखिए, ये रिले के लिए वायर का कनेक्शन हो गया है, तो ये वायर मैं रिले में जोड़ दूंगा। अब देखिए, 12 वोल्ट का रिले लेना है, और रिले का देखिए ये नीचे वाला जो दो पिन है, ये दोनों पिन, इसी में इस वायर का कनेक्शन करना है। तो मैं कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से मैं यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ। अगर आप इस तरह के रिले पर स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं इस तरह के रिले पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, ये इस रिले में ये कनेक्शन हो गया है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर 12 वोल्ट AC देना है, तो कहाँ से देंगे ये 12 वोल्ट AC वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें ये जो आप मेन ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इसके ट्रांसफार्मर का देखिए ये वाला जो वायर है, ये 12 वोल्ट का ही वायर है। तो इस 12 वोल्ट का वायर का कनेक्शन देखिए LED पर किया गया है, तो इसी जगह से मैंने ब्लू वायर जोड़े हैं, देख लीजिए। यहाँ पर ये ब्लू वायर, ये दोनों LED के बीच में जो ये कनेक्शन दिया गया, इसी जगह से मैंने ब्लू वायर जोड़े हुए हैं 12 वोल्ट के लिए। तो यही वायर मैं इस ऑटो कट सर्किट में लगा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, मैं इसे भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये 12 वोल्ट AC मेन ट्रांसफार्मर से लिया गया है। तो बहुत से स्टेबलाइजर में होता क्या है कि अलग से 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, लेकिन इसमें मेन ट्रांसफार्मर से ही 12 वोल्ट निकाला गया है, जो मैंने इस सर्किट में 12 वोल्ट दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर 220 वोल्ट AC देना है,
तो 220 वोल्ट एसी आप कहां से देंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए रिले का ये जो पिन आप देख रहे हैं, इस पिन को पोल कहा जाता है। इसी पोल से 220 वोल्ट का एसी सप्लाई जो है इस सर्किट में इस जगह पर देना है, ठीक है। तो अब मैं इसमें वायर जोड़कर आपको दिखाई देता हूं। तो रिले के इस पोल पर मैं वायर जोड़ रहा हूं, देखिए, और यहां से ये वायर देखिए सर्किट के जो यहां पर 220 एसी लिखा हुआ है इसी जगह पर जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर एक वायर जोड़ना है जो ये नेगेटिव लाइन है इस सर्किट का। देखिए ये कैपेसिटर का सारा नेगेटिव वाला जो लेग है इसी लाइन में जुड़ा हुआ है, तो इसी जो नेगेटिव वाला जो ये लाइन है इसी में आपको एक वायर जोड़ना है। तो कहाँ से जोड़ना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसे आप देख लीजिए, स्टेबलाइजर का ये जो 5-पिन सॉकेट देख रहे हैं, ये 5-पिन सॉकेट का इस तरफ वाला देखिए, इस पिन में तीन वायर जुड़े हुए हैं। तीन वायर में एक वायर सप्लाई लाइन का है, एक वायर मेन ट्रांसफार्मर का कॉमन वायर है, और एक वायर ऑटो कट सर्किट के लिए है। तो ये जो लाल वाला वायर आप देख रहे हैं, ये लाल वाला वायर ही ऑटो कट सर्किट के लिए मैंने निकाले हैं। तो इस वायर को इस जगह पर जोड़ा जाता है, ये इस सर्किट का नेगेटिव लाइन है, तो इसी जगह पर इस वायर को जोड़ा जाता है। इस तरह से इस ऑटो कट सर्किट का कनेक्शन पूरा हो जाता है। तो इसमें देखिए टोटल 5 वायर ही लगे हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो आपने इतने लंबे लंबे वायर जोड़ दिए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं इस तरह से लंबे लंबे वायर नहीं जोड़ूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे लंबे लंबे वायर जोड़ने पड़े हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन सारे लंबे लंबे वायर को मैं अच्छी तरह से काट करके बढ़िया से फिर से मैं इसे कनेक्शन करूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कनेक्शन किस प्रकार से है, ठीक है। देखिए मैंने ऑटो कट सर्किट में जो लंबे लंबे वायर लगाए थे उन सभी को काट के सही ढंग से देखिए मैंने इसका कनेक्शन कर दिए हैं। अब ये देखने में सुंदर लग रहा है। तो अब आपको इतना करने के बाद एक काम और करना है, जब आप सर्किट कंप्लीट लगा लेते हैं तो आपको एक काम करना और पड़ेगा कि इसमें एक 5K का प्रीसेट है। देखिए इस सर्किट में यहाँ पर ये 5K का ये प्रीसेट है, तो इसे आपको घुमाकर सेट करना पड़ेगा कि आपको ऑटो कट कितने वोल्टेज पर करना है, उसके अनुसार आपको इसे घुमाकर सेट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसमें लाइन देता हूँ, लाइन देकर ही प्रीसेट को सेट किया जाता है। तो देखिए मैं इसमें लाइन दे दिया, यहाँ पर देखिए लाइन आपको दिख रहा होगा कि आ चुका है। अब देखिए ये वोल्टेज 200 के आसपास बता रहा है, तो हमें और वोल्टेज बढ़ाना है। देखिए ये 220-225 के आसपास बता रहा है, ये वोल्टेज देखिए 250 पार कर गया है, यानी कि ये ऑटो कट नहीं हो रहा है। तो इसे तो ऑटो कट करना है, तो इसके लिए अब इस प्रीसेट को सेट करना होगा घुमाकर। तो देखिए मैं इसे घुमाता हूँ और इसे इस तरह से सेट कर देता हूँ। देखिए ये ऑटो कट हो गया है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ऑटो कट बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इस तरह से आप भी जितने वोल्टेज पर ऑटो कट को सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, 210, 220, 230, 240, 250, जितने पर सेट करना हो आप प्रीसेट को घुमाकर उसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑटो कट सर्किट का कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें।